अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है वालेकुम सर? सलाम। डू यू वांट टू गो जी फर्स्ट? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ओके। रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क असेसमेंट फॉर व्हाट? सर वॉयलेंस की कर लेता हूँ। ओके ठीक है। सो कंसिडर कि मैं आई एम योर पेशेंट एंड योर एग्जाम इज कंडक्टेड इन दो टू सेंटर्स। One is Islamabad, one is in Karachi. So most probably you will be in Islamabad, right? सर डिपेंड्स अपॉन द सीपीएसपी ईमेल, वेट कर रहे हैं सर। Okay, कोई बात नहीं। बस वो ज्यादातर यहाँ वाले लोगों की प्रेफरेंस इस्लामाबाद होती है, वहां वाले लोगों की कराची होती है, लाहौर वाले इन बिटवीन या वहां। सो डू यू वॉन्ट टू गो फॉर इट? If considering I am the patient, can I give you the scenario and you can start the risk assessment? इंशाल्लाह सर, आई विल ट्राई सर। ओके गुड। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यहां पे जो भी आपने प्रैक्टिस करनी है इट्स एब्सोल्युटली सेफ बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली एवेल्युएटेड और असेस्ड इन अ वे दैट यू विल बी पासिंग और फेलिंग। एक्चुअल थिंग इज दैट वेन यू एक्चुअली गो इन द एग्जाम सिचुएशन दैट मैटर्स द मोस्ट। सो यहां अगर गलती हो भी जाए तो वो अभी आपके पास टाइम है, यू कैन रेक्टिफाई। बट अगर वहां गलती होगी तो वो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट कर देंगे। एंड आई होप यू ऑल नो हाउ द एग्जाम स्कोरिंग इज डन। सो देर इज अ शीट विद द एग्जामिनर विच इज इंडिकेटिंग मल्टीपल थिंग्स बट देर आर नो एज सच मार्क्स मैंशन देयर। वहां 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर ऐसे नहीं है। वहां पे कैटेगरी है कि कैंडिडेट वॉज एबल टू परफॉर्म द टास्क, वॉज ही एम्पथेटिक, वॉज ही कम्युनिकेटिंग वेल, वॉज द टास्क कंप्लीटेड, हाउ वॉज द बिगिनिंग, हाउ वॉज द एंडिंग, थिंग्स लाइक दैट। सो देर आर अबाउट फ्यू पैरामीटर्स एंड यू हैव टू जस्ट टिक इट। एंड इफ Of all the parameters, I don't know what is the current parameters there are, but if 70% of the parameters are ticked at the level of around 4 category, which is considered to be passing category from 0 to 5, so if you score say 4 in 8 of the sections and 2 of the sections you perform 3, you will still pass. But if all of your scoring is comes in between 3 and 2, then you fail. So this is basically the format that you have to follow. So your performance from beginning till end is not dependent on just completing one task. It's dependent on multiple things: how you open up, how you ask the question, how you are focused in that, how you close the interview, that matters the most. जो static stations हैं वहां पे भी यही चीज है, category है कि वो static stations की sheet पे आपको लिखना है whatever the question is asked. Those sheets then go to some of the examiners and they check it and then they go forward with it. But I heard कि last time static stations खत्म कर दिए थे, सारे interactive हो गए थे। Is it so? Yes. हाँ, so now there are no more static stations. They are all interactive station, which means the same that you have to perform in a specific way. So the beginning and ending, if that is good, you secure 4 marks for each of them, which is a passing category. So दो categories आपकी fulfill हो गई। Now there are in between other categories like how empathetic you are, how interactive you were able to complete the task. So completing the specific task means a very small chunk of whole of the situation. So if you're communicating well, beginning, ending, and in between, and you are not stopping, hesitating, complicating, so अगर उसमें flow है, then most of the time you pass. So it's not a tricky situation. सो आई ऑलवेज फोकस के आपकी बिगिनिंग अच्छी हो, आपकी एंडिंग अच्छी हो, और इन बिटवीन आपने अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। फ्लुएंसी आपकी एक कंसिस्टेंटली चलती जाए, चाहे कि उस 5 से 7 मिनट में आपका वो टास्क कंप्लीट ना हो।
So अगर टास्क कंप्लीट नहीं भी हुआ, इवन देन यू डोंट हैव टू पैनिक, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट इन साइकाइट्री यू मे नॉट गेट ऑल द आंसर्स इन द स्पेसिफिक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बट दे वांट टू सी दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल स्टेप बाय स्टेप, आस्किंग द क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड एम्पथेटिकली एज वेल. सो दैट इंटरेक्शन मैटर्स द मोस्ट. एसन, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स? आई अंडरस्टैंड सर. परफेक्ट. सो Let's start. I am your patient and you are the candidate in an exam situation at a station where it is mentioned that you have to assess him for risk assessment, right? Okay, go ahead, start. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mera naam Dr. Ehsan hai aur mera taluk shubha imraz nafsiyat se hai. Mujhe aapki bimari ke hawale se chand sawalat karne hain. Umeed hai aap taawun karenge. More sentences into it. Two more sentences. What are they? امتحانات کے سلسلے میں مجھے معزز اساتذہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے چند سوالات کروں. So five important things. The consent is one of the important factor. And you have to take the consent in the beginning. So میرا نام ڈاکٹر احسن ہے. یہ کمرہ امتحان ہے. یہاں پہ کچھ میرے سینئر سائیکیٹرسٹ موجود ہیں. میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے. آپ کی بیماری اور آپ کی اسیسمنٹ کے بارے میں آپ کی جو ہے آپ کی بیماری سے متعلق میں کچھ سوالات پوچھوں گا. امید ہے آپ تعاون کریں گے. رائٹ. سو دا کانسٹنٹ انڈائریکٹلی ڈسکرائبنگ دی ایگزامینرز پریزنس دیئر بیکاز ایگزامینرز آر سیٹنگ دیئر اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو انٹروڈیوس ایوری ون ٹو دا پیشنٹ. آف کورس ان ایگزام سچویشن یو وانٹ سے کہ میرا نام ڈاکٹر ناصر ہے, یہ ڈاکٹر احسن ہے, یہ ڈاکٹر رانا صاحب ہیں, یہ رضا صاحب ہیں. یو ڈونٹ سے دیٹ بٹ یو سے ان اے بریف ٹون دیٹ دیز آر دا پیپل ہو ول بی دیئر سو دا پیشنٹ از کمفرٹیبل. اب یہ سینٹینس دوبارہ ریپیٹ کرو پانچ چیزوں والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر احسن ہے. میرا تعلق شعبہ امراض نفسیات سے ہے. یہ کمرہ امتحان ہے. یہاں پہ میرے معزز اساتذہ بھی موجود ہیں. آپ کی بیماری کے حوالے سے میں نے چند سوالات کرنے ہیں. امید ہے آپ تعاون کریں گے. پرفیکٹ. اب یہ جو جملے ہیں نا, یہ ہر اسٹیشن کے بگننگ پہ یہی فارمیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. رائٹ سر. گو اہیڈ ناؤ, یو سٹارٹ آسکنگ دا کوسچن. ٹھیک ہے. میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میرا نام جی ناصر ہے. ٹھیک ہے. ناصر صاحب آپ کتنے سال کے ہیں؟ میری عمر تقریباً 60 کے آس پاس. ٹھیک ہے. ناصر صاحب آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ میں نے بی اے کیا تھا 1969 میں. 1969 میں آپ نے بی اے کیا تھا. ناصر صاحب آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ جی جی میں شادی شدہ ہوں اور میرے دو بچے ہیں. دو بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں اور لاہور میں ہی رہتا ہوں. ٹھیک ہے. رائے صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب بڑی لمبی کہانی ہے. جب میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے تو میری نوکری چلی گئی اور اس کے بعد گھر میں مسائل کچھ اضافہ ہونا شروع ہو گیا. ظاہر ہے پیسوں کی کمی تھی, بچوں کی پڑھائی, گھر کے خرچے اور میرے لیے بڑی دقت ہو رہی تھی. تو مجھے کچھ کیفیات ہوئیں جس کے بعد اس حد تک چیزیں خراب ہو گئیں کہ مجھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑا اور انہوں نے مجھے کچھ دوائیاں دیں. وہ دوائیاں میں کافی عرصے سے کھا رہا ہوں لیکن ابھی آ کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دوائیوں نے کام چھوڑ دیا ہے اور میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. رائے صاحب مجھے احساس ہے آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں. مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو دوائیاں ہیں یہ آپ کس چیز کے لیے کھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائیاں کیوں دی گئیں, لیکن آبویسلی گھر والے پریشان تھے کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے, یہ سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے, کچھ کرتا نہیں ہے. تو پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں دے دیں. میں نے 2-3 دفعہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ دوائیاں کیا تبدیلی لائیں گی, کیا میری نوکری واپس آ جائے گی, کیا مجھے پیسے مل جائیں گے, کیا میرے گھر کے خرچے چلنے شروع ہو جائیں گے, پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کوئی خاطر خواہ اس کا جواب نہیں دیا. اور اسی وجہ سے پھر میں
खैर मैं घर वालों के प्रेशर में दवाइयां खाता रहा, लेकिन मेरे मसाइल जो हैं वो उस तरह से कुछ अरसा शुरू में हल हुए भी, लेकिन पूरी तरह मसला हल नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी को। नासिर साहब, घर वाले आपके रवैये के बारे में क्या कहते हैं? वो समझते हैं कि जी मैं ठीक नहीं। वो समझते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। ठीक नहीं है से क्या मुराद है? मसलन आपको गुस्सा आता हो? गुस्सा नजायज बात पे तो हर इंसान को गुस्सा आता है। तो डॉक्टर साहब आप मतलब गुस्से की बात, मतलब हर शख्स आजकल जो हालात हैं उसमें जब जितनी को नाइंसाफी होती है तो उस पर गुस्सा तो आना चाहिए, तो मुझे भी उतना गुस्सा आता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। एक गुस्सा जो है वो मुतदिल सर यहाँ पे ज़रा मैं ठीक है। नासिर साहब, मुझे मजीद पूछना है कि कभी गुस्से में ऐसा हो जाता हो कि आपका हाथ उठ गया हो किसी के ऊपर? इस वक्त वक्त के दौरान या इससे पहले? जी, जो आप मुझे तफसीलन बता सकते हैं कि शुरू से आपके गुस्से की कैसी तरतीब रही है? कुछ कह नहीं सकता डॉक्टर साहब, मसला वही है कि नौकरी के दौरान सुबह 8-7-8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ के काम पे चले जाना और उसके बाद घर वापस आना, तो बेगम के साथ कभी कभी तल्ख कलामी हो जानी, तो एक आध दफ़ा शायद हाथ भी उठ गया हो बेगम पे। लेकिन इस दौरान जो है वो ऐसी कैफियत नहीं हुई, क्योंकि अब तो मैं बैठा रहता हूँ खामोश, लोग जो मर्जी करते रहें मैं कुछ नहीं कहता। मैं समझ सकता हूँ। नाज साहब, अक्सर लोगों को जब अकेले होते हैं तो कोई ऐसी आवाज़ें आती हैं कानों में जो लोगों को नहीं आ रही होती, कोई ऐसी चीज आपके साथ हो रही हो? नहीं, मुझे कभी कानों में इस तरह की कोई आवाजें नहीं आई, कोई गैबी आवाजें नहीं। बिल्कुल ठीक है नाज साहब। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपको लगती हो? डॉक्टर साहब हालात इस किस्म के हैं, खर्चे वैसे में जैसे मैंने पहले कहा पूरे नहीं होते, तो ऑब्वियसली मतलब ये बात आप समझ सकते हैं कि उससे मसाइल तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ये होता हो कि लोगों पे शक होता हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर एहसास होता है कि मुझे जो मैं जिस चीज़ के काबिल था मुझे वो चीज़ नहीं मिली, जो मेरे लिए होना चाहिए था वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, काम किया है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ। और ये जो गो है थैंक यू सर। और ऐसा जो आपको महसूस हो रहा है, क्या इसके साथ उदासी महसूस कर रहे हो आप लगातार? हाँ, कुछ उदासी है, और उदासी से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये अज़ियत ज्यादा है कि जो मैं मुझे मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला। मैं समझ सकता हूँ। आप तफसीलन बता सकते हैं कि वो क्या चीज थी जो आपको मिलनी चाहिए थी? मैंने डॉक्टर साहब अभी आपको जिक्र किया ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सारी जिंदगी काम किया है और अच्छा काम किया है, सुबह वक्त पे जाना शाम को आना, कभी छुट्टी नहीं की, फिर भी इस दुनिया ने मुझे वो नहीं लौटाया जिसका मैं हकदार था या मुस्तहिक था। हालात मैं समझ सकता हूँ ऐसे ही हैं। तो इस कैफियत में कभी ऐसा लगता हो कि अपना आप बहुत कम लगता हो लोगों के सामने? कम तो डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कमतर हूँ, लेकिन बात वो ये है कि ये हकीकतन बात ये है कि अगर मुझे देख मैं अपने आप को महसूस करूं तो मैं कमतर तो किसी से नहीं, लेकिन मैं ये डिजर्व नहीं करता था, मैं इसका मुस्तहिक नहीं था जो मेरे साथ हो रहा। मैं समझ सकता हूं। और कभी ऐसा लगता हो कि जिंदगी में मायूसी महसूस होती हो? हाँ, जिंदगी में रह नहीं गया कुछ डॉक्टर साहब, बेगम परेशान नाराज, बच्चे जो हैं वो नाफरमान दूर, और घरेलू मसाइल, खाना पीना,
डे टू डे मामला, बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, उसको पूरा करना दिक्कत है। दिक्कत है, आपने बताया। तो इसके साथ आपको अपनी जिस्म की जो ताकत है उसमें कोई कमी महसूस होती हो? थकावट का एहसास क्या होना है, सारा दिन तो मैं घर बैठा रहता हूँ डॉक्टर साहब और बिस्तरे पे बैठा रहता हूँ, लेकिन हाँ उतनी हिम्मत ताकत नहीं रह गई जितनी जवानी में थी। अब वो सकत नहीं रह गई कि मैं इन चीजों को चला सकूँ। ठीक है। और इसके साथ मुझे ये पूछना है कि जो आमतौर पे जिन चीजों में एक शौक होता है, जो शौक से आप करते थे, क्या उसमें भी कमी आपने महसूस की हो? किस चीज का शौक डॉक्टर साहब, रह ही कुछ नहीं गया तो शौक क्या पूरे करने। जाहिर है जी जिंदगी में ख्वाहिशात तो बेशुमार हैं पर शौक कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। राज साहब, कभी ऐसा होता हो कि मायूसी बहुत बढ़ जाती हो और जो अपना मुस्तकबिल है वो आपको सही से नजर ना आता हो, यानी कि मायूस नजर आता हो? वो तो डॉक्टर साहब मैंने आपको पहले भी बताया कि हाँ ऐसा तो है। और कभी मायूसी इस हद तक बढ़ जाती हो कि आपको लगता हो कि जिंदगी का क्या फायदा? ये भी है। और कभी सोचा हो कि इससे तो मौत भी अच्छी है? दिल करता है डॉक्टर साहब सबको मार दूं और खुद भी मर जाऊं। आपका दिल करता है कि आप सबको मार दें और खुद भी मर जाएं? और ये जो सोच है, क्या आपने कभी इस पे अमल करने की कोशिश की? ये सवाल डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल सवाल है कि इस पे अमल करने की। मेरे पास, मेरे वालिद साहब के पास एक पिस्तौल थी और वो विरासत में मुझे मिली। वो पिस्तौल अभी भी घर में मौजूद है और लेकिन बेगम ने उसकी गोलियां गायब कर दी। सो अब तो ना मेरे पास इतने वसाइल हैं और ना इतने पैसे कि उसमें गोलियां डाल के इस दुनिया को तहस नहस कर दूं। मैं समझ सकता हूँ। और अगर मसलन वो गोलियां आपको मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इसके बारे में डॉक्टर साहब कभी तफसीली सोचा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि अगर ऐसा हो जाए तो शायद जिंदगी के जो मकासद पूरे नहीं हुए आखिरी वक्त में शायद कुछ हासिल कर लें। बिल्कुल ठीक है राज साहब। मुझे एहसास है आप एक परेशानी से गुजर रहे हैं। नासिर साहब, मैंने ये पूछना है कि आपकी खानदान में किसी को, जहाँ तक आपके खूनी रिश्ते हैं, आपको ऐसा लगता हो कि किसी को कोई कोई नफसियाती बीमारी हो और जेरे इलाज हो, वो कभी रहे हों? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन डॉक्टर साहब है। यू हैव 30 मोर सेकेंड्स। मेरी वालदा जो थी वो बेचारी बड़ी मासूम और भोली खातून थी और ज़्यादातर घर में ही रहती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी बड़ी अजियत में गुजरी। लेकिन अगर इस तरह आप बात करें कि किसी को दिमागी मर्ज था और वो भी दवाइयां खाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझसे पहले किसी ने दवाइयां खाई हूं। मेरी मैं समझ सकता हूँ। वालदा 42 साल की उम्र में फौत हो गई थी और वो हालात भी बहुत मुश्किल थे। ठीक है नाज साहब। और कुछ लोग नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जब वो परेशान होते हैं या गुस्से में होते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप करते हो? 10 सेकेंड्स लेफ्ट। नशे से आपकी क्या मुराद है? जिस तरह कुछ लोग सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, कोई गोलियां इस्तेमाल कर लेते हैं, नींद की गोलियां इस्तेमाल कर लेते हैं। टाइम्स अप। ओके आपके नाउ दावन का शुक्रिया। थ्री थिंग्स। यस दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन आई टोल्ड यू 30 सेकेंड्स योर असेसमेंट वाज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज द पेशेंट वाज
not coming to the point where you wanted to ask the question, right? So कोई आपको leading हाथ में ऐसी चीज नहीं मिली जिसपे आप कहते कि जी ये है, right? अब इसमें 30 सेकेंड वहां बेल बजती है एक सिंगल, जब लास्ट एक मिनट रह जाता है, उस बेल के बाद आपको पता होता है कि अब आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है. समटाइम्स अच्छे एग्जामिनर्स जो कन्वीनर्स होते हैं वो डेफिनेटली एक मिनट पे या 30 सेकेंड्स पे बेल देते हैं और फिर फाइनल बेल होती है. कभी कभी एग्जाम में फाइनल बेल नहीं भी होती तो आपको अपनी घड़ी पे फोकस रखना है कि आपके पास जितने मिनट का स्टेशन है उतने मिनट पूरे हो गए. जब लास्ट 30 सेकेंड रह जाए ना तो वो उसको करेक्ट कर लें कि ना साहब मैं और भी मज़ीद सवालात आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन सारी सवालात मैं आपसे नहीं पूछ सका. आपके ताबुन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सवालात का जवाब दिया. मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे सीनियर हजरात हैं या जिस डॉक्टर आपके साथ इलाज कर रहे हैं उनके साथ मजीद बात करके कुछ हम इस सिलसिले में मजीद कर सकें, कोशिश करूंगा. नो प्रॉमिसेस मेक. सो नो प्रॉमिसेस एंड एंडिंग शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द फाइनल बेल गोज ऑफ. ओके, एक चीज का ये बहुत ख्याल रखना. मैं हर बंदे को कहता हूँ घड़ी अपने लगा के रखो और अगर आपको लगे कि बस अब 7 मिनट गुजर गए, 8वें मिनट में बेल बजने वाली है, तो कोशिश आप ये करें कि आप उसमें रैप अप करना शुरू कर दें, क्लोजिंग. ये जरूरी है. सो एवरीथिंग वाज फाइन, यू वर आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू वांटेड टू कम अप टू एन एक्सपेक्टेशन के आपकी रिस्क असेसमेंट पूरी हो जाए. लेकिन जाहिर है अब मैंने पहले भी कहा जरूरी नहीं कि 10 मिनट में सारा कुछ पूरी हो जाए. सो कहने का मकसद ये है कि ओपनिंग आपकी ठीक हो गई, क्लोजिंग आपकी ठीक होनी चाहिए और दरमियान में जो आपने पूछा वो आपने पूछ लिया. एग्जामिनर जो असेस कर रहा है वो आपकी कम्युनिकेशन कर रहा है, आपकी एम्पथी कर रहा है, आपके सवालात को असेस कर रहा है कि आप किस तरफ मरीज को लेके जाना चाह रहे हैं, विच यू डिड वेल, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड कि आप वो तरतीब से सवाल पूछते चले जाएं. इसमें मानूर मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, अभी टाइम कितना है स्टेशन का आईएमएम का आजकल? मेरा मुझे भी यही ख्याल है कि 7 मिनट्स होते हैं, बट कंफर्म कर लेना 7 मिनट का टाइम है. 6 मिनट जब हो जाए ना तो आपने क्लोजिंग की तरफ आना शुरू हो जाना है, क्योंकि आपको मेंटली तैयार होना चाहिए कि लो जी काम पूरा नहीं हुआ, अब मैं क्लोजिंग अच्छी कर दूं. और क्लोजिंग अच्छी करनी है. दूसरी चीज जो एक थोड़ी सी ऐसन मैंने नोट की कि आपने बार बार कहा मैं समझ सकता हूँ, मुझे एहसास है, इतनी दफा नहीं बोलना, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे एहसास है, बार बार नहीं बोलना. मैक्सिमम 2 दफा ये जुमला बोला जा सकता है, मैक्सिमम, ठीक है. मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को, आपकी अजियत को, आप मसले में हैं, लेकिन इस बारे में हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. एंड कंटिन्यू 2 दफा, बार बार रिपीट मत करना. Every time I was responding back, you were trying to respond back, मैं समझ सकता हूँ. Forget about it. आप समझ सकते हो या ना समझ सकते हो, मरीज को इससे गर्ज नहीं है. आपको समझ आनी चाहिए मरीज को इससे गर्ज है. So, वो जुमला इम्तिहान में बहुत मैटर करता है कि अगर आपने 3 दफा बोल दिया ना तो एग्जामिनर ने उसको नोट कर लेना कि जी इसने 3 दफा ये बात रिपीट कर दी. सो 7 मिनट में 3 दफा बोलना कॉम्प्लिकेटेड है, 7 मिनट में 2 दफा एक्सेप्टेबल है, 1 दफा बेस्ट है, ठीक है. और वो बेस्ट एंड पे है जब आपने रैप अप करना है, उस वक्त बेस्ट है कि जब आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे अंदाजा है कि आप बहुत अजियत में हैं, आपको बहुत तकलीफ है, हम कोशिश करेंगे कि हम जो जिस तरह भी आपकी मदद कर सकें हम करें और इस सिलसिले में जो भी हो सकता है मैं करूँगा. सो दैट विल बी द बेस्ट. बीच में इसको रिपीट मत करना, मैं समझ सकता हूँ, मुझे एहसास है, नो, डोंट हैव टू, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है. 7 मिनट तो ऐसे गुजर जाते हैं और चीज़ें पूरी नहीं होती. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट रेपिटेशन एज वेल. कोई रेपिटेशन ना हो, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना आए. फ्लो आपका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था, आप रेलिवेंटली डिप्रेशन को, सुसाइड को और स्किज़ोफ्रेनिया को एवेल्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे. एक चीज़ और ध्यान में रखो
कि जब उसने 6 साल की बात की है, मीन्स ऑनसेट जो है वो 50 साल के बाद है, तो साइकोसिस का ऑनसेट 50 साल पे नहीं होता, राइट? साइकोसिस का ऑनसेट 17-18 साल की उम्र में होता है। ये छोटे छोटे क्यूज आपको पिक करने। उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी बहुत अच्छी नौकरी की, ये जुमला इसलिए बोला गया कि मींस उसकी कैपेबिलिटीज ऐसी थी कि वो घर का चला रहा था, ठीक है? सो वो साइकोसिस के चांसेस नहीं है। 50s में ऑनसेट आमतौर पर डिप्रेशन का होता है। लॉस ऑफ जॉब एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है, लीडिंग टू सम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ग्रीफ प्रॉब्लम्स, PTSD और MDD। बट लूजिंग अ जॉब कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद साइकोसिस। पैरानोया, यस, यू शुड हैव आस्क्ड। सुसाइडल रिस्क असेसमेंट जो थोड़ी सी आपने पूछी, विच वॉज फाइन, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना क्यूज को पिक करना। तुम्हारा फ्लो बहुत अच्छा है, तुम इन छोटे छोटे क्यूज को ना बस पिक करते रहो। कि उसने कहा जी, अब उसने उम्र बताई कि मैं 60 के करीब का हूँ, तो मीन्स स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता। एक शख्स जो 40 साल नौकरी कर चुका है वो साइकोटिक नहीं हो सकता। साइकोटिक पेशेंट इतनी देर नौकरी नहीं कर सकते। सो वो क्लू पिक करना है, ठीक है? और एग्जामिनर ये देख रहा है आपको खड़े होकर, फरिश्तों की तरह, मुनकुर नकीर की तरह, कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो उसके जवाबों से आप उसका रिस्पॉन्स पिक कर रहे हैं कि नहीं। 50 साल की उम्र में ऑनसेट, दवाइयां खा रहा है, चीजें ठीक नहीं है। कुड इट बी पर्सनैलिटी, कुड इट बी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, कुड इट बी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंड द रिस्क असेसमेंट ऑफ होमिसाइडलिटी एंड सुसाइडलिटी बोथ, राइट? और उसने ये भी आपको क्लू दिया कि पिस्तौल हो तो मैं इस दुनिया को खत्म कर दूं। अब उसी से रिलेटेड सवाल मजीद आगे पूछ लेते तो चीजें और अच्छी हो जाती। बट ओवरऑल इफ यू आस्क मी, आई विल गिव यू 4 marks, ठीक है? ऑब्वियसली पहली दफा प्रेजेंट करने में 4 means यू आर पास, बट स्टिल इसको थोड़ा रिफाइन कर लो, कंफ्यूज मत होना। घड़ी जरूर पहनना, घड़ी बहुत जरूरी है। ऐसा अगर बैल ना बजे ना तो तुसी टली का इंतजार नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो कि अब बैल बजने वाली है, 7 मिनट हो गए, ठीक है? अभी ये पहला एनकाउंटर है मेरा तुम्हारा। आई विल प्रेफर कि तुम 2 encounters मेरे साथ और कर लो, यू विल बी फाइन, ठीक है? अब जो मैंने तुम्हें चीजें बताई है ना, इनको प्रैक्टिस करके वापस आओ अगली दफा, फिर हम इस पे मजीद डिस्कशन कर लेंगे। गॉट इट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, यू आर वेलकम। अब इसमें कोई और सवाल तुमने मुझसे पूछना है तो पूछ लो। सर मुझे एक सवाल था कि मुझे भी लग रहा था कि मैंने बहुत सी चीजें पूछनी थी, जैसे पर्सनैलिटी और सब्सटेंस और एडजस्टमेंट की। सर जब टाइम एग्जाम सिचुएशन की बात करें, जब 6 मिनट तक हो जाए या 5 मिनट तक, उस वक्त हो नहीं सकता। ये एग्जामिनर को भी पता है और ये कैंडिडेट को भी पता होता है कि ये हो नहीं सकता। सो वॉट यू आर डूइंग इज वॉट यू आर कंटिन्यूइंग, ठीक है? तुम डिप्रेशन को असेस कर रहे थे, तुम साइकोसिस को असेस कर रहे थे, तुम हो नहीं सकता कि रिस्क असेसमेंट, मतलब 28 सवाल तो सिर्फ रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड है और साइकाइट्रिक मोबिलिटी से, ये 7 मिनट में पॉसिबल ही नहीं। लेकिन द फ्लो वॉज फाइन, सो आई एम पासिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट योर फ्लो वॉज ओके। क्लोजिंग वॉज कॉम्प्लिकेटेड, उसमें आपने देर कर दी क्योंकि आपने घड़ी मॉनिटर नहीं की, और एम्पथी थोड़ी ओवर एम्पथी का इजहार किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है? सो ये 3 चीजें करेक्ट करो, वापस आओ। अच्छा सर, एक मेरा भी क्वेश्चन है इस रिस्क असेसमेंट वाले सिचुएशन स्टेशन से रिलेटेड। हाँ, कि जब हमारा स्टेशन है रिस्क असेसमेंट का, तो डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना इस स्टेशन में कि हम वो डिप्रेशन की वजह से है, वो स्किड्स की वजह से है, वो सब्सटेंस, उस पे कितना एम्फसाइज करना है हमने, रादर देन फोकसिंग ऑन द टास्क एट हैंड के सुसाइडल है कि नहीं है, होमोसाइडल है कि नहीं है, अभी आजकल एक्टिव कुछ ऐसा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा पेशेंट। डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना कतई जरूरी नहीं है रिस्क असेसमेंट में। यस, सुसाइडल रिस्क असेसमेंट और होमिसाइडल रिस्क असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, लेकिन जब सवालों के फ्लो में आप चल रहे होते हैं तो आप चीजों को मिस नहीं कर सकते। जब आपको एक क्यू मिल रहा है कि पिस्तौल है, गोलियां नहीं हैं, तो आप उस डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है? IMM में ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप 100% सारे सवाल उससे 6-7 मिनट में पूछ लेंगे,
लेकिन यस, मेरा दिल यही था कि एसन ने जब शुरू किया था और उसने डिप्रेशन और साइकोसिस के सवाल पूछ लिए थे, तो अब वो स्पेसिफिक हो जाता कि दिल करता है मरने का, लोगों को मारने का, कभी प्लान किया, कभी फैसले, सवाल उसने पूछे सारे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले हो गया और बाय दैट टाइम वो रैप अप का टाइम आ गया. सो इट वॉज नॉट बैड ऑनेस्टली. लेकिन यस, आपको जब कम्युनिकेशन करना है, रैपो बिल्डिंग करनी है, एम्पथी का इजहार करना है, उस सारे में 4 मिनट तो वैसे ही निकल जाएंगे. आखिरी 3 मिनट में आपको फोकस करना है, और सुसाइड रिस्क असेसमेंट भी 3 मिनट में नहीं हो सकती. हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली कहे सुसाइड रिस्क असेसमेंट, तो आप स्पेसिफिक हो जाएं. अगर ओपन स्टेशन है रिस्क असेसमेंट का, तो इट्स अ बिग स्टेशन. अब ये अच्छे एग्जामिनर की ये निशानी है कि वो टास्क जो है वो उतना ही देते हैं जितना 7 मिनट में पूरा हो जाए. वो टास्क ऐसा नहीं देते जो इतना बड़ा टास्क हो. रिस्क असेसमेंट इज अ बिग टास्क, लेकिन हाँ, सुसाइड रिस्क असेसमेंट इज अ स्मॉलर टास्क जो 7 मिनट में पॉसिबल है. होमिसाइड रिस्क असेसमेंट इज अ स्मॉलर टास्क जो 7 मिनट में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पूरा रिस्क असेसमेंट 7 मिनट में नहीं होगा. सो ये स्टेशन की चॉइस भी जरा ध्यान से रखना कि आमतौर पर अगर पेपर बैलेंस्ड पेपर बना हुआ हो तो वो फोकस्ड होता है और उसमें 6-7 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो जाता है. टास्क बहुत छोटा होता है. सो यस, यू आर राइट, हमें बिल्कुल फोकस होके चलना है, डिपेंडिंग अपॉन कि टास्क क्या है. अब क्योंकि ये बड़ा टास्क था तो ये फैला हुआ था, अगर ये स्पेसिफिक हो जाता तो आप बिल्कुल टारगेटेड चलते. तुमने कौन सा स्टेशन किया? सर स्टेशन तो मल्टीपल किए, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी वाला कर लें. अच्छा, प्री मॉर्बिड पर अपने भी आसान सा. अच्छा चलो ठीक है. सर आप खुद से देते हैं कोई स्टेशन? आई सजेस्ट आप खुद से स्टेशन दें किसी को, कोई भी. नहीं नहीं, ये फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, फंस जाएंगे. अभी ये पहला सेशन है, इसमें इनको ऊपर ही रहने दो. नेक्स्ट टाइम मैं, मेरे पास है टाइम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. अभी भी 6 मैसेजेस, वो लाहौर वाला फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना और बाकी, तो मैं ज़रा थोड़ा कंफ्यूज था. मैं नेक्स्ट टाइम टास्क दूंगा कि जी ये मैं 8 स्टेशंस आपको दे रहा हूँ, इन 8 स्टेशंस को प्रिपेयर करें पर्सन वाइज और फिर आप प्रेजेंट करें दोबारा. तो भी ओपन ही रहने, तो करो. प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, आई एम द पेशेंट, फीमेल पेशेंट. आई एम 22-year-old फीमेल पेशेंट. अब ये जहन में रखना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा. मैं 22 साल की मैं खातून हूँ जिससे तुम असेसमेंट कर रहे हो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी की. योर टाइम स्टार्ट नाउ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फहदस है. आप मुझे अपना नाम बताना पसंद करेंगी? मेरा नाम जी नासिरा है. अच्छा नासिरा साहिबा, ऐसा है, ये कमरा इम्तिहान है, मेरे साथ मेरे सीनियर डॉक्टर हजरात मौजूद हैं. मुझे आपसे आपकी शख्सियत के हवाले से कुछ सवालात करने का कहा गया, उम्मीद है आप मेरे साथ तआवुन करेंगी. इस दौरान जो गुफ्तगू हमारे दरमियान होगी वो हमारे दरमियान ही रहेगी और आपकी इजाजत के बगैर और किसी से नहीं की जाएगी. ओके, ये जो जुमला हादिस ने बोला है ना, मैं उसमें ये भूल गया था आखिरी वाला. सो ये जुमले को याद कर लो फादिस, ये जुमला एक दफा दोबारा बोल. इस दौरान हमारी जो गुफ्तगू होगी वो हमारे दरमियान ही रहेगी और आपकी इजाजत के बगैर और किसी से नहीं की जाएगी. ये हमने मिस किया था एहसन तुम्हारी दफा में, सो इसको ऐड कर लो उन 5 सवालों में जो मैंने कहे. ठीक है, सो आई एम सॉरी बट मैं मिस कर गया. यस फादर्स, गो अहेड. मुझे एक सवाल पूछना था. अगर होमोसाइडल रिस्क असेसमेंट में आप ये जुमला कहेंगे कि मैं जो आपसे बात करूंगा वो आप मेरे और आपके दरमियान रहेगी, तो वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो आपको ब्रीच ही करनी होती है. इफ देयर इज हार्म टू सेल्फ, इफ देयर इज हार्म टू अदर्स, इफ देयर इज हार्म टू वो, तो फिर वो तो आप फंस जाएंगे. डॉक्टर साहब ये नहीं फंसेंगे आप, इसलिए नहीं फंसेंगे कि जब आपने असेसमेंट स्टार्ट की है उस वक्त आपको नहीं अंदाजा कि ये पेशेंट वाकई होमोसाइडल है कि नहीं है. ये तो आपकी असेसमेंट के बाद एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि ओह ये तो शदीद होमिसाइडल है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज और यू हैव टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर इट. सो शुरू में आपको ये जुमला बोलने में कोई मसला नहीं. हाँ, ये जुमला कॉम्प्लिकेटेड उस वक्त होगा कि आपने होमिसाइडल रिस्क असेसमेंट कर ली और उसमें आपको पता चल गया कि ये हाईली होमिसाइडल पेशेंट है, ये किसी को मार देगा,
फिर आपको एंड ऑफ द इंटरव्यू में रैप अप करते हुए मरीज को ये बताना है कि इसमें से कुछ बातें ऐसी हमें पता चली हैं जो आपके लिए या दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, सो हमें कुछ आगे इसके लिए फर्दर करना पड़ेगा, राइट? सो एट दैट टाइम यू चेंज योर स्टैंड, बट इन द बिगिनिंग इट्स सेफ सेंटेंस फॉर एवरीवन कि ये बातें मेरे और आपके दरमियान में रहेंगी और आपकी इजाजत के बगैर किसी को नहीं बताई जाएंगी, दिस इज फाइन। लेकिन अगर आपको एंड में पता चल जाए कि ये होमिसाइडल है और ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमें ब्रीच करनी पड़ेगी मजबूरन, जो कि बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, वहां पे आप मरीज को फिर कम्युनिकेट करते हैं कि इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। और आमतौर पे जो सीरियसली होमिसाइडल पेशेंट्स हैं इस किस्म के, वो एग्री नहीं करते, फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करते हैं। सो सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन जनरली ये सेंटेंस इज ओके। गॉट इट? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गो अहेड फॉर दिस। नासरा बीबी, 22 साल और कंसेंट हो गई, आगे चलें। नासरा साहिबा, सवालात के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो बातचीत हो रही है वो आजकल के हालात से मुतल्लिक नहीं, उस वक्त से मुतल्लिक है जब आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करती थी, ठीक है? तो इस सब मसले से पहले आप अपनी शख्सियत के हवाले से मुझे क्या बताना पसंद करेंगी, कैसी शख्सियत थी आपकी? अब सेहतमंद डॉक्टर साहब, आपने मुझे कहा कि जब मैं सेहतमंद थी, तो सेहतमंद तो पता नहीं मैं कब थी, मैंने तो जब से होश संभाला है मसाइल ही पड़े हुए हैं। सो कितना अर्सा पहले मैं आपको बताऊं कि क्या था हालात, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी आप जिस मसले से अस्पताल आई हैं, ये मसला कितने अरसे से है? ये मसला डॉक्टर साहब अभी तो ये जबरदस्ती मुझे ले आए अस्पताल ने, और मेरा दिल तो ये था कि मैंने अपने आप को ख़त्म कर लूं। मैंने इस सिलसिले में कुछ किया, वो मेरे अभी मेरी शादी को साल हुआ है, वो मेरे मियाँ ने देख लिया कि ये क्या कर रही है, तो वो मुझे उठा के अस्पताल ले आया। तो अभी ऐसा क्या किया था नासर साहब, कुछ थोड़ी तफसील बताएंगे? आपको क्यों बताऊं? ताकि हम इस सिलसिले में आपकी कोई मदद कर सकें। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? क्या आप वो कर सकते हैं जो मैं चाहती हूँ? आप बताएं, जो मुमकिन होगा हम जरूर करेंगे। सो आपके लिए क्या ये मुमकिन है कि आप मेरी दूसरी शादी करवा दें? ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है आपको? ख्याल क्यों आ रहा है? मुझे मोहब्बत है एक बंदे से, मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। ये शादी मेरी जबरदस्ती घर वालों ने करा दी, फिर आप करवा देंगे मेरी शादी, फिर मैं आपको सवालात के जवाब दे देती हूँ। अच्छा सर, अब आप किस तरफ देखे जा रहे हैं ये बात? उसी तरफ जहाँ तुम जाना चाह रहे। सर ये तो बहुत अजीब से पेशेंट बने हुए हैं आप दोनों सिनेरियोज में। क्यों, यही पेशेंट होते हैं? पेशेंट और पेशेंट तुम्हारे ख्याल में बिल्कुल सीधा सीधा होगा, जो सवाल तुम पूछोगे वही जवाब मिल जाएगा। कैसा होता है रियल लाइफ ह्यूमन के टेक्स्ट बुक पेशेंट होगा, जिसको पहले से वो मिले होंगे इंस्ट्रक्शंस। हाँ मिली होंगी उसको इंस्ट्रक्शंस, और उसमें डिफिकल्टी इंडेक्स भी मेंशनड होता है एग्जाम में कि ये पेशेंट जो है वो डिफिकल्टी इंडेक्स में हाई है, ये पेशेंट डिफिकल्टी इंडेक्स में लो है। कुछ किताबी पिक्चर्स हैं जो सीधी सीधी हैं, लेकिन मेरे जैसा टेढ़ा एग्जामिनर होगा तो ट्रिकी सिचुएशंस भी आएंगी। और आपकी वही कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जा रही हैं कि असेसमेंट कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। इसमें बात फिर वही है, मैं इस बात पे पास या फेल नहीं करूंगा कि इसने प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी पूरी असेस कर ली कि नहीं कर ली। मैं इस बात पे फेल करूंगा कि ये मरीज को संभाल सका कि नहीं संभाल सका, और रेलेवेंट क्वेश्चन निकाल सका कि नहीं 6 मिनट 7 मिनट। अच्छा सर, इंट्रोडक्शन में अगर हम आपको ये भी बोल दें कि इस दौरान अगर मुझे वक्त की कमी के बायस अगर मुझे आपको इस दौरान कहीं रोकना पड़ा या टोकना पड़ा, तो मुझे उसके लिए मैं आपसे पहले से माजरा चाहती हूँ, ताकि जैसे अगर अभी आप जैसे इधर उधर घूम रहे थे इंट्रोडक्शन में ये जुमला ऐड कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये जुमला आमतौर पर इंट्रोडक्शन में नहीं बल्कि इन बिटवीन करवाता हूँ, जब मुझे नजर आ रहा हो कि पेशेंट काबू नहीं आ रहा,
मैं भी सर यही प्लान था कि इन बिटवीन अगर हम उसे रख लें। सो ये जुमला इन बिटवीन बोलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये जुमला एक एडिशनल आपके 10 सेकंड जाया कर रहा है, ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है। सो इस जुमले को आप उस वक्त बोलें जब आपको पता है कि जी 4 मिनट गुजर गए तो काम तो हो नहीं रहा, तो उस वक्त आप इसका इजहार करें कि जी मैं वक्त की कमी के बायस नासरा बीबी मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन अगर वक्त कमी के बायस मुझे बात अधूरी छोड़नी पड़ी या आपको रोकना पड़ा तो आपकी आपसे पहले से मैं माजरत कर रहा हूँ। बस उस वक्त बोलें जब आपको लगाओ टी ट्रैक हो रही है चीजें। शुरू में बोलना जरूरी नहीं है, शुरू में बोलोगे ना तो एक हैंडी कैप है, कुछ 10 सेकंड इसमें जाया होंगे और हो सकता है कि बुकिश पिक्चर हो, सीधा सीधा पेशेंट हो और आपको कोई मसला ही ना हो। IMM में यूजुअली पेशेंट सीधे होते हैं, आई एम सॉरी मैं इसको फंसा रहा हूँ, लेकिन मुश्किल भी हो सकते हैं बिकॉज उसमें लिखा होगा प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी की असेसमेंट और हो सकता है मरीज जवाब ना देने के काबिल हो तो फंस जाए। The way you follow that matters the most. अच्छा सर, ये जो आपने पूछा था कि कितने अर्से से मैं तो ठीक हूँ ही नहीं, तो मुझे ये 100% यकीन था कि पेशेंट यही बोलेगी ज्यादातर कि जी मैं तो ठीक हूँ ही नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ जनरली वो नहीं होता। तो व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ आस्किंग, बिकॉज किताबों में ये लिखा हुआ है कि आप पूछें कि जब आप ठीक थी उस वक्त आप कैसी थी। मैंने इसका ये सोचा हुआ है कि अभी मैं आपसे कहने लगा था कि ठीक है आप ऐसा महसूस करती हैं, घर वाले क्या महसूस करती हैं, आप कितना अरसा पहले बिल्कुल ठीक। सो जो किताब में लिखा हुआ है वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन जो मरीज से आप पूछ रहे हैं वो ऑब्वियसली वो ट्रिकी है, उसमें डिटेल है और उस डिटेल के अलावा मसला हल नहीं होगा और वो डिटेल इसी तरह चलेगी, राइट। सो हर चीज किताबी आपको नहीं मिलती दुनिया में, हमें कोई पेशेंट प्योर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसमें हमेशा कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऑब्सेशनल सिम्टम्स होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, पर जब बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात होती है तो यही होती है। और अगर सीधा सीधा ही मरीज आपको मिल गया फिर तो इम्तिहान ही ना रह गया। इम्तिहान का मतलब क्या है कि आपको असेस करना है कि आप कितने अच्छे सेफ साइकाइट्रिस्ट हैं, एक ही मकसद है एग्जाम का, सेफ साइकाइट्रिस्ट होना, ठीक है। सेफ साइकाइट्रिस्ट मींस कैलकुलेटिव असेसमेंट, हर चीज पे नजर और आउटकम जो है वो अप्रोप्रिएट। जी मान पूछेंगे आप कब से सही थे, लाइक आप कब ठीक थे। नहीं अभी ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, बस इसका सवाल का ये है कि वो जो अंग्रेजी की ट्रांसलेशन है उसको उर्दू में आप इस तरह करें कि अभी जो आपको मसाइल हैं इससे पहले की शख्सियत आपकी कैसी थी, बजाय इसके कि कब आप ठीक थे। जब आप कब आप ठीक की बात करते हैं मींस मॉर्बिडिटी से पहले, लेकिन अंग्रेजी में तो लोगों को ये समझ आ सकता है, उर्दू में ये समझ नहीं आएगा। उर्दू में आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस वक्त जो आपकी हालत है इससे पहले के बारे में बताइए कि आप कैसी थी। जी मानू, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, हमेशा प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है कि आइडियली प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी हमें कोलेटरल इंफॉर्मेशन से नहीं मिलती, सो ये क्या स्टेशन हुआ फिर एग्जाम में? इन्होंने खुद चूज किया था स्टेशन एग्जाम में, मैंने थोड़ी चूज किया था प्री मॉर्बिड फादर्स ने खुद चूज किया था, अब फिर मैंने फंसाना तो था ना फादर्स को, फिर फंसाना तो था ना मैंने, जाहिर है इसने खुद पंगा लिया था तो फिर मुझे उसमें उसके हिसाब से चलना है। यस आई एग्री विद यू, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी जो है उसकी आइडियल थीम ये है कि मरीज से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरेस्ट मिलते हैं, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, हाउ द फीलिंग्स आर, हाउ मच रिलीजियस यू आर, हाउ मच इंक्लिनेशन यू हैव फॉर द सोसाइटी, आप में कितनी एम्पथी है, आप कितने सेंसिटिव हैं, आप कितने एंशियस किस्म के इंसान हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ये सारी चीज़ें प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। और इसमें यस, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये भी सवालों बीच में सवाल होते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, और फिर आप कोलैटरल इंफॉर्मेशन से उसको रिकन्फर्म करते हैं कि जी ये जो बातें थी ये एग्जैक्टली ऐसे ही हैं कि नहीं। सो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी असेस करना इज नॉट अ स्मॉल टास्क एज दे हैव रिज्यूम्ड के बस मैं ये सवाल पूछूंगा तो ये हो जाएगा, इट कुड बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मैं पर्सनली स्पीकिंग
ये स्टेशन नहीं रखूंगा असेसमेंट ऑफ प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डन इन 6-7 मिनट्स टाइम, और फिर कोलैटरल आपके पास होगा नहीं तो असेसमेंट कैसे पता चलेगी। वही किताबी बातें जो ये भी कह रही थी कि किताब में तो ये लिखा हुआ, सो अगर किताब ही सुननी है हमने तो वो फिर थ्योरी का इम्तिहान हम क्यों लेते हैं, फिर हम थ्योरी में ही पूछ लेते कि प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी के क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या असेस करते हैं, फिर मुझे ऑस्पी स्टेशन तो नहीं करना चाहिए। लेकिन यस, INN में एग्जामिनर्स आर यूजुअली लीनियंट, सो दे डोंट वांट टू पुट यू इन ट्रबल, सो यू गो अहेड विद द बुकिश क्वेश्चंस एंड पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द बुकिश क्वेश्चंस एंड थिंग्स आर डन, बट नॉट ऑलवेज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स। ठीक है, सॉरी वापस आओ। हाँ फादर साहब शुरू हो जाओ दोबारा टास्क पे, नहीं फंसाता, चलो। अच्छा नासर साहिबा, मुझे बताइएगा अभी जो जिस मसले से आप अस्पताल दाखिल हैं, इससे पहले आपकी शख्सियत कैसी थी? बड़ी खुशबाश, बड़ा अच्छा मूड, मैं हर दिल अजीज हूँ, लोगों के साथ बड़े मेरे ताल्लुकात हैं, बातें करती हूँ, गप्पे लगाती हूँ, खुश रहती हूँ, और वो जो था ना फारदिस, उसके साथ मेरा जब सिलसिला चला तब भी उस वो भी मुझे इसीलिए पसंद करता है और मैं भी उसको इसीलिए पसंद करती हूँ कि वी वर ऑलवेज फन लविंग। अच्छा ठीक है, तो ये जो आप फारदिस साहब के बारे में बता रही हैं, इससे पहले भी आपका किसी और के साथ भी इस किस्म का कोई ताल्लुक रहा? अब ये खुद पंगे कर रहे हो तुम। अच्छा देखिए सर, ये भी तो पर्सनालिटी, अब आप जिस तरफ जो आपने क्लू दिया तो मैं रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करूंगा कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन फिर उसमें टाइम निकलता जाएगा। मैंने कहा था मैं सीधा रखूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं पहली दफा जब अगर हम इसकी चेकलिस्ट बना लें, जैसे अगर मैं चेकलिस्ट बना के चलूं और आपको ये पता चल जाए कि ये चेकलिस्ट से चल रही है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा सही है, सो पैरानॉइड, आपको लोगों से मिलने का शौक है, आपको अकेला रहने का पसंद है, दोस्त बना लेते हैं नहीं बना लेते हैं, एंड पेशेंट लाइक सीधा है, लाइक ही इज आंसरिंग व्हाट एवर आई एम आस्किंग, सो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मेकिंग अ चेकलिस्ट फॉर ऑल द सेशंस दैट वी आर प्रिपेयरिंग, जितने भी स्टेशंस हम प्रिपेयर करें? इसमें कोई बुरा भी नहीं है लेकिन इसमें अच्छा भी नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता चेकलिस्ट को। हम चेक बॉक्स एग्जामिनेशन, कुछ एग्जामिनर्स को ये बहुत पसंद है, दे प्रेफर कि चेक बॉक्स हो, ठक 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 सवाल पूछे जाएं और एंड कर दिया जाए। लेकिन मी एज अ एग्जामिनर, आई विल ऑलवेज गो फॉर व्हाट फादर्स इज डूइंग, ओपन एंडेड, बी वेरी अगेन पोलाइट एंड जेंटल इन असेसिंग द थिंग्स एंड पिक अप द क्यूज पेशेंट इज गिविंग एंड फॉलो द क्यूज, रादर देन आप कैसी हैं, अच्छी हूँ, आप क्या करती हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप यहाँ कैसे आई, मैं बीमार हो गई थी, अच्छा आपको क्या शौक हैं, मेरे बहुत सारे शौक हैं, मैं चेस खेलती हूँ, अच्छा आप चेस खेलती हैं और आप मजहबी कितनी हैं, ये चेक बॉक्स इज ओके इन सम सिचुएशन बट आई वॉन्ट प्रिफर इट। और मैं ऐसे कैंडिडेट को ज्यादा नंबर दूंगा जो एक्सप्लोर कर रहा है, रादर देन ऐसे कैंडिडेट को जो चेक बॉक्स चेकलिस्ट कंप्लीट कर रहा है। ये अब थीम का फर्क है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनमें 50-50% रेशियो है, 50% एग्जामिनर हुए हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को और एक्सप्लोर करने को प्रेफर करते हैं, 50% एग्जामिनर हैं जो टिपिकल चेकलिस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो फिर बदकिस्मत ही अगर वहां फंस गए। हाँ सही है सर, थैंक यू थैंक यू। दोनों चीजों को बैलेंस रखें, पहले 3 मिनट एक्सप्लोर करें, 4 मिनट, और उसके बाद चेकलिस्ट पे आ जाएं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, कि पहले एक्सप्लोर करें 4 मिनट और जब आपको पता चले कि जवाब नहीं मिल रहे, बात कहीं की कहीं जा रही है, फिर आप चेकलिस्ट पे आ जाएं, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि इसने सारी चीजें कंप्लीट कर ली और ये ओपन एंडेड भी रहा, दैट इज आइडियल। जी फादर्स गो अहेड। जी नासर साहिब, आप बता रही थी इससे पहले अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। जी डॉक्टर साहब, मैं जब 10वीं में थी तो उस वक्त भी मेरा एक अफेयर था, फिर वो मुझे पसंद नहीं था,
वो उसके पास इतने पैसे पूसे नहीं थे, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मेरी फादिश से हो गई। लेकिन घर वालों ने जब देखा कि जी मैं इस तरह कभी किसी में और कभी किसी के पास चली जाती हूँ, तो घर वाले परेशान हो गए, जबकि मेरी जिंदगी मैं जैसे मर्जी गुजारूं, तो उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। अच्छा, अभी आपने बताया जैसे आपकी जबरदस्ती शादी होगी, तो अभी ससुराल में आपके ससुराल वालों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात मेरे बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे साथ बहुत खुश हैं। मेरी दो नंदे हैं, वो मेरे से बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि हम घूमते हैं, गप्पे लगाते हैं, हम अक्सर बाहर चले जाते हैं शॉपिंग पे, आइसक्रीम खा के वापस आ जाते हैं। सो अच्छे हैं ताल्लुकात। और सास मेरी थोड़ी सी सख्ती करती हैं, लेकिन उनको भी मनाना कोई मुश्किल नहीं है, फंसा लेती हूँ मैं। अच्छा, ससुराल वालों में कोई ऐसा शख्स हो जिससे आप अपने दुख सुख की सारी बातें कर सकती हो? ससुराल वालों से मैं दुख सुख की बातें क्यों करूंगी, दुख सुख के लिए फादिस है ना। तो फादिस से आप दुख सुख की बातें कर लेती? सारी, हर किस्म की बात शेयर कर लेती। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि आपके दोस्त वगैरह भी काफी पहले रह चुके हैं, तो ये जो दोस्तियां रहती थी, ये आपने बताया कुछ अलसा चलती थी फिर खत्म हो जाती थी, इसकी क्या वजह थी? मैंने ये नहीं कहा डॉक्टर साहब, आप गलत जा रहे हैं। मेरी दोस्तियां बड़ी पक्की होती, बड़े अरसे चलती, और मेरे तो सारे बड़े फैन हैं, वो लोग तो मेरे आगे पीछे फिरते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि आपको गुस्सा कितना आता है? गुस्से वाली बात पे गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है फिर उसका इजहार कैसे करती हैं? चीखती हूँ जोर जोर से, सबको डांटती हूँ, सर पे उठा लेती हूँ सारा घर। बाज लोग गुस्से की कैफियत में खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया? खुद को नुकसान तो कभी नहीं पहुंचाया, लेकिन हाँ ये कट्स वगैरह डाल लेती हूँ अपने बाजू पे जब बहुत शदीद गुस्सा आता है। फिर ये कट डालने से क्या होता है? सुकून मिलता है, मजा आता है, एक टेंशन रिलीज हो जाती है। टेंशन रिलीज हो जाती है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा, जब कोई फैसला करना हो तो उसके बारे में सोचती हैं या जो दिल में आए फौरन से कर लेती हैं? वो फैसला अगर करना हो तो मुझे कोई रोक सकता है, जो मेरे दिल में आता मैं करती हूँ। अभी मैंने इसको छोड़ना, मैं छोड़ दूंगी, मैंने नहीं रहना इसके साथ। चाहिए, आपने जैसे फहद साहब से डिस्कस किया है कि आप ऐसा सोच रहे हैं? वो तो तैयार है, इसको छोड़ मैं तो उसके साथ चली गई। अच्छा, फहदिस कोई और है, शादी कोई और है? अच्छा, ओके। ये तो पहले बोला था यार, तुम्हें याद नहीं रहता, अब एक मिनट और है। अच्छा ठीक है, नासर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि इस सब मसले से पहले तबीयतन आप वक्त की पाबंदी करती थी, नज़्म व ज़ब्त पसंद था आपको? मुश्किल सवाल है, पता नहीं, शायद। जो काम आप करती थी उससे मुतमईन हो जाती थी या बार बार उससे बेहतर करने की कोशिश करती? मेरे जिम्मे जो अगर कोई काम हो तो मैं कर लेती हूँ, मैंने कभी, मैं हड़राम नहीं, कामचोर भी नहीं, लेकिन मेरे जिम्मे काम लगा ही कभी नहीं। मैंने तो, मुझे तो कभी कहा ही नहीं गया कि ये काम तुमने इस तरह से करना है, मर्जी से चलती हूँ, सारे काम हो ही जाते हैं। और फारिग वक्त में क्या काम करना पसंद करती? हाय, फारिग वक्त में मैं बातें करती हूँ फादिस से। अच्छा नासर साहिबा, ऐसा है कि वक्त की कमी के बाइस बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं पूछ पाया आपसे, मजीद अभी हमें थोड़ा सा अगर कभी वक्त मिला तो हम मजीद इस बारे में बात करेंगे। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। कोई बात आपने मुझसे पूछनी है तो आप पूछ। आपकी शादी होगी? जी मेरी बिल्कुल शादी हो गई है नासर साहब। नॉन डिस्क्लोजर, नेवर एवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज द कैच। नो डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर। आपकी शादी हो गई, अगला सवाल आपकी तरफ से ये होगा, आप क्यों पूछना चाह रही हैं? बस वैसे ही। अच्छा चलें, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। नॉन डिस्क्लोजर, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। मेरी शादी होगी, यहाँ मेरी बीवी भी है, एक बच्चा भी है,
अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, एग्जामिनर इसी को पकड़ता है। सर ये तो ठीक है था भी कि नॉन डिस्क्लोजर, लेकिन जब एक पेशेंट ऐसा हो आपको हो के ट्रांसपेरेंस का रिस्क है ये है, तो अगर इससे क्या कि आप सेफ हो सकते हो? इससे कैसे सेफ हो सकते हैं? नहीं मतलब ये, ये जुमले से सेफ आप कैसे हो सकते हैं? मतलब सेफ नहीं, मतलब रिलेटिवली कि अगर कोई पेशेंट की ऐसी इंटेंशन है और आपने अगर आप इससे बिल्कुल सेफ नहीं होते, ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है कि अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे अपनी पर्सनल लाइफ को तो आप सेफ हो जाएंगे। नो नॉट एट ऑल। और सर आपने ये बोला, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, आपने बोला कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो अगर हम इसकी जगह ये बोलें कि ये यू नो आप ये क्यों पूछना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद वो कहेगी मैं ऐसे ही पूछना चाह रही हूँ, तो फिर हम ये कहें कि भाई आप ये जो हमारा हमारी मुलाकात है ये एक प्रोफेशनल उसमें है और मैं आपके मॉलेज हूँ, इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप ही के हद से रखें। मतलब सर आप समझ रहे ना, आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इट इन उर्दू कि भाई इट्स यू नो इट्स इररेलेवेंट वेदर आई एम married or unmarried or everything and we would like to confine the information to you only. To sir isko urdu mein bata dein. No disagreements, I agree with it. Non disclosure mein however you want to wrap up the things, that's fine, absolutely fine. Ke agar aap ye kahenge ji theek hai aap ye kyun puchna cha rahi hain, wo kahegi bas waise hi, to acha theek hai dekhen main is waqt kamra imtihan mein hu, ye imtihan ka mauka hai ya mere asatza wagaira bhi baithe hue hain, सो इस बारे में हमें अगर मैं प्रोफेशनली चलें तो ज़्यादा बेहतर है, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर मरीज का रिश्ता है, लेकिन ये बात लंबी हो जाएगी थोड़ी, अगेन वहाँ पे टाइम थोड़ा होता है, बट इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एग्री विद इट, बट एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर। इम्तिहान में किसी जगह पर भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्क्लोज किया ना, मैं फारिग कर दूँ अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो। क्लिनिक पे बैठ के अक्सर ही मरीज पूछते हैं आपसे, यदि आप शादीशुदा हैं, ये मैं सबको बताता हूँ, हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। नो आई डोंट हैव टू, माय नेक्स्ट दोस्त बना लेते हैं। दोस्त बनाए या ना बनाए, हर मरीज ये समझता है कि आप ही उसके दोस्त हैं, वो होना भी चाहिए, फीलिंग ये मरीज को आनी चाहिए कि जी आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि आप उसके मौलिज हैं। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप में जो आप कर सकते हैं मरीज की हेल्प वो करेंगे, लेकिन पर्सनल डिस्क्लोजर नॉट एट ऑल। ठीक है चलो हो गया, अगला सुफियान। उन्होंने ये जो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी करी, तो सर सुनने वाले को एज अ लिसनर इट डिड नॉट सीम टू मी दैट ही इज एक्सप्लोरिंग अ प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। नाउ इट कैन बी आल्सो बिकॉज कि आप सवाल के जवाब ही इतने टेढ़े टेढ़े से दे रहे थे तो वो फॉलो अप सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सर जैसे जो वही जैसे बात हुई ना कि प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी की चेकलिस्ट पूरी नहीं हुई, आप ना ये लगा सके कि भाई इनके दोस्त हो या इनके ये कैंडिडेट जो है वो सॉरी मैं इसको बंद कर दूं, ये सीरी ऑन हो गई। ओके ओके, सो कैंडिडेट यस द पेशेंट वाज ट्रिकी, सो ही हैड टू कर्टेल द इंटरव्यू इन दैट डायरेक्शन व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं अगेन फादिस को भी चार ही नंबर दे दूंगा, ऑल्दो कि इसने टाइम बहुत जाया किया है और सवाल बहुत कंट्रोवर्शियल स्टार्ट हो गए, लेकिन स्टिल जनरली स्पीकिंग ही हैंडल्ड द पेशेंट फाइन एक्सेप्ट फॉर द सेल्फ डिस्क्लोजर, जो इसको नहीं करना चाहिए था किसी भी हालत में, लेकिन अदरवाइज इट वाज फाइन। सो अगर पेशेंट ट्रिकी है, वो आपको झूला दे रहा है, जैसे पहले केस में भी था तो दूसरे केस में भी यही था, आपका जो असेसमेंट चल रही है, जो आपको देख रहा है, चाहे वो टास्क कंप्लीट नहीं भी हो रहा, लेकिन उसको ये पता है कि आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को हैंडल करके टास्क अचीव करने की। दिस इज़ व्हाट इज़ डिज़ायर्ड एक्चुअली इन द एग्जाम। दे शुड हैव अ फीलिंग दैट यू आर अ गुड डॉक्टर, गुड साइकियाट्रिस्ट, गुड कम्युनिकेटर, गुड कोलैबोरेटर हु इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर रिलेटिवली इन योर कंट्रोल एंड नॉट इन पेशेंट्स कंट्रोल। राइट, चलो अब एक केस और कर लो। सुफियान जी सर, मैंने इंफॉर्मेशन केयर ऑफ क्लोजा पेन वो तैयार किया था। वेरी गुड, अच्छा ये तो सीधा सीधा है। ओके ठीक है, डन। इसमें तो मेरा तो इंटरेक्शन होने ही बड़ा थोड़ा है, पर तू फिक्र ना कर, फंसा मैं तुझे भी लूंगा। अच्छा सॉरी अबाउट दैट,
just a preparation for all of you to make sure that you have to keep yourself open and ready to interact with the examiner or the patients, right? Right. Okay. अब ये मैं मरीज हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया मेरा डायग्नोसिस है, क्लोज़ापिन मुझे शुरू की जानी है, अब वो आप इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है। आज यहाँ इम्तिहान हो रहा है और मेरे सीनियर साथजा यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने मुझे हिदायत दी है कि मैं आपको आपसे बीमारी के मुतालिक बातचीत करूँ। उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। यहाँ बीमारी नहीं है, यहाँ आपकी इलाज के सिलसिले में जो दवाई शुरू कराई जा रही है उसके बारे में बात करूँ। अच्छा सर, मतलब इसमें ये है कि जो कमांड है उसको डायरेक्ट वहाँ पे टारगेट कर दें स्टार्ट में। ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो स्टेशन बिल्कुल ही फोकस्ड है इंफॉर्मेशनल केयर अबाउट क्लोज़ापिन। इसमें तो आपको क्लोज एंडेड ओपन एंडेड नहीं चलना, ये तो आपने सीधी सी बात करनी है कि मुझे ये कहा गया है कि आपको जो दवाई शुरू की जानी है इस बीमारी के सिलसिले में उसके बारे में आपसे बातचीत करूँ। फोकस जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है। ये कमरा इम्तिहान है, यहाँ पे मेरे साथ सीनियर साथजा मौजूद हैं और मुझे हदायत दी गई हैं कि मैं आपको क्लोज़ापिन दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। उम्मीद है कि उम्मीद है कि आप तावन करेंगे और इस सिलसिले में हमारे दरमियान जो भी बात हो रही है वो हमारे दरमियान ही रहेगी और आपकी इजाज़त के बगैर किसी को हम नहीं आगाह करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है वो 28 साल है। आपकी तालीम कितनी है? बीए पास हूं। जी नासिर साहब, आपने कभी क्लोज़ापिन दवाई के बारे में सुना है? नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो तुम्हारी बाकी दवाइयां हैं वो काम नहीं कर रही तो हम तुम्हें दूसरी दवाई देंगे। जी नासिर साहब, मैं वही आपको साथ बात करना चाह रहा था कि जैसा कि आपने खुद बताया है कि बाकी दवाइयां आपकी मर्ज के लिए हमने दी थी, उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया, खातिर का फायदा नहीं हो सका जितना हम चाह रहे थे। इस दौरान आपको हमने दो दवाइयां इस्तेमाल की थी, दोनों का ही फायदा खातिर का नहीं हुआ, इसलिए लेकिन इसको हम मेडिकल टर्म में रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें आपको पेचीदा बीमारी है लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी एक इलाज मौजूद है जिससे के दवाई मौजूद है जिसे हम क्लोज़ापिन कहते हैं। मैं उसके बारे में आपको तमाम मालूम फराम करूँगा, इसके फवायद, इसके नुकसान और इसके साथ जो हमने फॉलोअप टेस्ट रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस दौरान आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी बात अभी तक समझ सके हैं आप? जी बिल्कुल जी। नासिर साहब ऐसा है कि ये जो आपकी बीमारी है इसमें हम दवाई शुरू कराएंगे क्लोज़ापिन। इस दवाई के ये फायदे हैं कि जो अलामत आपकी बीमारी की हैं वो इससे बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ साथ इसका एक ये भी फायदा है कि ये जो खुदकुशी के ख्यालात या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आते हैं वो भी इससे हम बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मत बोलना, ये मत बोल, तुम्हें पेशेंट की डिटेल नहीं पता, सो सुसाइडल होमिसाइडल प्रिवेंशन में क्लोज़ापिन क्या करेगी? ठीक है सर। साइकोसिस तक महदूद रहो, रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया तक महदूद रहो। जी सर। हाँ कंटिन्यू करो। जी जैसा कि आपको पता है कि हर दवाई के कोई कुछ ना कुछ मुजर असरात होते हैं, इस तरह क्लोज़ापिन के भी कुछ मुजर असरात हैं जिनमें जो आपने मरीज को कन्वे करना है कि ये दवाई आपके लिए बहुत ज्यादा कारामद साबित हो सकती है क्योंकि पिछली दवाइयां आपके लिए काम नहीं कर रही थी, इसलिए इस दवाई का इंतखाब किया गया है। अब आपने इंफॉर्मेशन के क्लोज़ापिन की शुरू कर दें, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक जुमला गलत और विवाद कहीं के कहीं, अब सिर्फ इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करो, क्लोज़ापिन क्या है, क्लोज़ापिन ये दवाई है, ये उसके जो है उसमें हम क्या क्या करते हैं क्लोज़ापिन शुरू कराने के लिए, क्लोज़ापिन खत्म कराने के लिए, उसकी डोज एडजस्टमेंट के लिए, उस पर बात करो।
बहुत सारी टॉपिक चीजें रहती हैं जी सर, ट्रिकी जुमले बोलोगे फंस जाओगे खाम खा। सुसाइड और होमिसाइड का जिक्र क्यों करते हैं? जी सर चलो जी नासिर साहब, ये जो हम दवाई शुरू करा रहे हैं इसको हम पहले बहुत कम मिकदार में शुरू कराएंगे, और इसको शुरू कराने से पहले कुछ टेस्ट भी कराएंगे, जिनमें एक खून का टेस्ट होगा, एक दिल की पट्टी होगी जिसको हम अपनी जुबान में ईसीजी कहते हैं। जो सीबीसी है वो आपको पहले 18 हफ्ते में हर हफ्ते में दो बार कराना है, उसके बाद एक साल तक हर हफ्ते में एक बार कराना है, और साल के बाद ये हर माह कराना पड़ेगा। इसके साथ इसके दौरान आपको हम वक्तन फवक्तन बुलाते रहेंगे और इसकी डोज एडजस्ट करते रहेंगे। इसके जैसा कि आपको मालूम है कि इस दुआ, हर किस दुआ के कोई ना कोई मुझे असरात होते हैं इस दौरान। फिर मुझे असरात में चले गए वो, यार मेरी जान तू देख जब दवाई देते हो टेक्स्ट बुक में कि दवाई के बारे में क्या लिखा होता है, सबसे पहले दवाई की इंडिकेशंस होती हैं, फिर उसकी डोजेज होती है, फिर उसकी असेसमेंट्स होती हैं, फिर उसमें ब्लड सीपीएमएस मॉनिटरिंग है, उसके फॉलो अप्स हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट बड़ी लेट में है ना, ड्रग इंटरेक्शन और साइड इफेक्ट वो बाद में जाना, अभी बाकी चीज़ें नहीं की। हम 25 मिलीग्राम की आधी गोली शुरू करेंगे पहले हफ्ते में, जो है हम आमतौर पर 25 से 50 मिलीग्राम तक जाते हैं, दूसरे हफ्ते में हम 50 से 100 मिलीग्राम तक जाएंगे। बहुत अगर आप अस्पताल में दाखिल होंगे तो ये डोज हो सकती है, अगर आउट पेशेंट के तौर पे होंगे तो ये डोज हो सकती है। सीबीसी में अगर प्लेटलेट काउंट पे इसका इफेक्ट आता है, प्लेटलेट काउंट का इफेक्ट क्या होता है वो कम हो सकते हैं, उस पर मुजर असरात आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन रही तो आपने घबराना नहीं है, हम आपको साथ साथ देख रहे हैं और उसके साथ साथ उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेन फोकस्ड सुफियान, बिल्कुल दवाई से बाहर ना निकलो। इंफॉर्मेशनल केयर का जो स्टेशन है वो सबसे कंफर्टेबल है क्योंकि मरीज बोलता नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं क्योंकि आपने एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस आपने डराने के लिए नहीं करना, सेफ्टी के लिए करना है, उसकी बेहतरी के लिए करना है। आपको इससे कुछ नहीं होगा, मुजर असरात जो भी आते हैं उनको हम साथ साथ मैनेज करते हैं, और फिर 12.5 से 50, 50 से 100 डोजेज बताओ, डोजेज के बाद उसको बताओ कि सीपीएमएस मॉनिटरिंग क्या है, ब्लड टेस्ट क्यों कराया जाता है, हर हफ्ते क्यों कराते हैं, हाँ फिर मंथली पे क्यों चले जाते हैं, वो उसकी एक्सप्लेनेशन दो। साइड इफेक्ट जब बताने हैं ना कि इस दवाई के कुछ मुजर असरात हो सकते हैं, उसमें भी पॉजिटिव स्टेटमेंट कि मुजर असरात जरूरी नहीं कि हर एक को हो, लेकिन एहतियातन ये मुजर असरात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इनमें से कोई भी आपको हो तो फिर भी घबराना नहीं, आपने मुझे बताना है या अपने डॉक्टर को मॉलेज को बताना है ताकि वो इन मुजर असरात के लिए कुछ सदबाब कर सकें। मुजर असरात भी आपको मरीज को ये कम्युनिकेट नहीं करना, तेन साइड इफेक्ट हो गया तो तू मर जाएगा, तेरा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो गया तो तू डेथ हो जाएगी, नो, यू हैव टू कन्वे इन अ वेरी पोलाइट डिसेंट मैनर कि मुजर असरात जो है वो जरूरी नहीं कि हर शख्स को हो, 100 में से एक बंदे का प्लेटलेट काउंट कम होता है, कुछ लोगों को मुंह में थूक ज्यादा आती है, कुछ लोगों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कुछ लोगों को इससे गुनूदगी ज्यादा महसूस होती है, कुछ अद्वियात इसके साथ नहीं दी जा सकती जिसकी हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो 7 मिनट में ये सारी चीजें करो। तो सर इसमें तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी डोजेज को, शायद मिस कि डोजेज का बताना है या नहीं, मैं इसको उस टाइम जरूर बताओ, पहले हफ्ते में 50, दूसरे हफ्ते में 100, तीसरे हफ्ते, ये इंफॉर्मेशनल केयर का हिस्सा है ना कि डोजेज रिजीम आप कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन बार बार साइड इफेक्ट पे जब जल्दी जल्दी आते हो ना तो मरीज पहले ही घबरा जाएगा, उसको घबराना नहीं, उसको रीएश्योरेंस देनी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, हमें ये बताने की जरूरत है कि हम क्लोजेपिन आपको इस वजह से शुरू करा रहे हैं क्योंकि पहले जो हमने आपको दवाइयां दी हैं उन्होंने काम नहीं किया, जिनमें से एक ओलेंजेपिन थी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ होता है कि यू नो बिफोर स्टार्टिंग क्लोजेपिन यू शुड गिव अ ट्रायल ऑफ ओलेंजेपिन, नॉट नेसेसरली ओलेंजेपिन, बट आइडियल डेफिनेशन रेजिस्टेंट डिप्रेशन की ये है कि ट्रायल ऑफ टू एंटीसाइकोटिक प्रेफरेबली फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप्स, सो एक फर्स्ट जनरेशन तो एक सेकेंड जनरेशन, या दो सेकेंड जनरेशन, या दो फर्स्ट जनरेशन और एक सेकेंड जनरेशन, सो उसमें आप उसी तरह चलाएं जो एक्चुअल फैक्ट्स है, जो आप
जनरली जानते हैं उसी की इंडिकेशन में लिखा हुआ है तो सर ये फिर बोलने की जरूरत नहीं है we don't need to tell them के absolutely not जो typical definition है Maudsley मुझे इसलिए नहीं पसंद कि Maudsley में हर साल जब वो तब्दीली करते हैं तो जेड़ा पैसा ज्यादा देना off the record उसकी चीजें ऊपर ले आते हैं typical चीज है olanzapine is not necessary that it should be olanzapine it should be the ideal definition मैंने resident schizophrenia में presentation दी थी ideal definition is trial of two psychotropics preferably from two different groups one from first generation and one from second generation agar haloperidol ka trial pura hua hai aur risperidone ka trial pura hua hai ho gaya wo qualify karta hai lekin yes hum kehte hain ji ideally kuch jagahon pe teen antipsychotics one from first generation two from second generation usme usually olanzapine quetiapine risperidone koi bhi ho sakti hai koi si do bhi ho sakti hai which is fine बट ये जुमला कि जी olanzapine लाजमी दी जाए इस पे मैं एग्री नहीं करता इस पे बहुत डिबेट है कंट्रोवर्सी है और इस पे बहुत सारे पेपर्स भी अवेलेबल हैं कहोगे तो मैं लिटरेचर भिजवा दूंगा इसीलिए मैं Maudsley के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ ठीक है सो वो थोड़ा सा ओ ये फिर चल पड़ा ओके सॉरी कैन यू हेयर मी जी सर ओके गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग जी सर ओके सो लवे लबाब वी विल स्टॉप हियर एंड होपफुली वी विल ट्राई टू कैच अप अगेन मेरे पास टाइम है तुम लोगों की जब डेट आ जाए तो मुझे बता देना मैं मजीद इंटरेक्टिव करा दूंगा स्टेशंस तैयार करके आओ कोशिश करो स्टेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ सिनेरियोस से पिक करो स्टेशंस बड़े स्पेसिफिक लेना ओपन स्टेशंस लेना ऐसे स्टेशंस मत लो जो बहुत ब्रॉड चीजें हैं प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी असेसमेंट यस एक स्टेशन आता है कुछ एग्जामिनर देते हैं उससे कहीं ज़्यादा जरूरी ज़रूरत यह है कि मैं मूड असेसमेंट पे आऊँ मैं डिलूजन्स की असेसमेंट पे आऊँ हेलुसिनेशंस की असेसमेंट आऊँ जो साइकाइट्रिस्ट का ब्रेड एंड बटर है रादर देन असेसिंग प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी सो और स्टेशन तैयार करो और लोगों को इनक्रेज करो कि वो तैयार करें हम इंटरेक्ट करते हैं फिर देखते हैं सुफियान You are okay in the beginning और तुम वैसे भी ठीक हो लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात इंफॉर्मेशनल केयर में जैसे मैंने पहले कहा आपको किताबी बात कन्वे करनी इंफॉर्मेशन केयर बहुत सीधा स्टेशन होता है जिसमें मरीज आपसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता आप ही कहानी रट्टू तोते की तरह सुना रहे होते हैं सो आप उसको वो सुनाएं जो किताब में आइडिया लिखा हुआ और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की Maudsley का रेफरेंस दिया या नाइस गाइडलाइन का आई प्रेफर कि मैं ये रेफरेंसेस ना दूं न्यूट्रल रहूं क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मेरे जैसा एग्जामिनर तुम्हें टकर गया और तुमने Maudsley मेरे सामने नाम ले दी तो मुझे वैसे खिंच चढ़ जाएगी कि Maudsley को क्यों रेफर कर रहा है olanzapine लाजमी ट्राई होनी चाहिए सो उसको न्यूट्रल रखें कि मोस्ट ऑफ द indications are like this most of the things are like this ideal definitions bookish definitions theek hai aur koi baat sir okay. wpa mein aa rahe karachi I definitely I am coming aur allah kare ki sab kuch theek thaak ho so I'll be reaching on 2nd of march to karachi 1st of march I'll be in lahore and 2nd march I'll be in karachi I'll stay in karachi till 6th morning and then I'll be in Lahore for 2 days and then I'll be back so it will be a very short very specific trip but Karachi walon mein jitne bhi log academic group ke members hain jo log Karachi mein ikatthe ho to hum jumrat ki raat ko khana ikatthe kha sakte hain just let me know the number aur hum organize kar lenge kuch so baith ke gapshap kahan pe kahan pe ye to main jaunga to kuch jagah finalize karunga इसलिए अभी तो कुछ कह नहीं सकता जैन में जगह रख लेना कुछ ना कुछ फिर बता देना नंबर कितना है उसके हिसाब से मैं खुदा का खौफ खा यार बच्चों को खाना खिलाना हो तो बजट नहीं देखते ठीक है जहां दिल करे लेकिन जगह अच्छी होनी चाहिए ताकि कराची का भी मजा आए ना अब पीसी में खाना खिलाओगी तो पीसी का खाना तो हमें कहीं भी मिल जाएगा ना तो वो खाना होगा जगह ऐसी होनी चाहिए सबको पसंद हो
तो मैंने मानूर को पहले भी कहा था, एक दो लोगों को और भी कहा था कि अगर आप लोग फारिग हो गए तो मुझे बताना, थर्सडे को हम या फ्राइडे को डिनर कर लेंगे और उसके हिसाब से देख लेंगे। फ्राइडे को मेरा ख्याल है उनका अपना डिनर भी है काफी बड़ा, सो वी विल चेक। कौन थर्सडे को? नहीं सर, थर्सडे को हम फ्री नहीं है। फ्राइडे को? हाँ, फ्राइडे साहब का देख लेना वरना फिर लेट नाइट चले जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई चाय पी लेंगे, मोर्टल लावा खा लेंगे। आदिश ने अपनी मर्जी की बात ही करनी जो उसको पसंद है। ओ भाई, दूसरे का भी ख्याल कर लिया करो, जरूरी तो नहीं कि मोल्टन लावा नहीं। मैंने कहा अगर डिनर कॉन्फ्रेंस पे कर लेंगे तो उसके बाद कुछ मीठा खा लेंगे, इस सेंस में। बस मुझे नंबर बता देना ताकि मैं ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लूं कि एक मिनी वैन या बस नंबर के हिसाब से, उसके हिसाब से कहीं चले जाएंगे। कराची वाले बहुत सारे इधर होंगे, वो हमें कहीं सी ऐसी जगह, अच्छी जगह गाइड कर देंगे, तो वहां बैठ के गपशप लगा लेंगे। ठीक है, होप टू सी यू अगेन सून। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? मैं एक बात कहना चाह रही थी, जो भी आप आई मैम के लिए स्टेशन करवा रहे हैं, लास्ट ईयर आपने कुछ स्टेशन करवाए थे ईईजी के, सीटी स्कैन के, हम लोगों को वो वाले भी प्लीज करवाएं, क्योंकि मेरा ईईजी स्टेशन मैंने यहाँ आपसे ही प्रिपेयर किया था और वहाँ आया भी था और वो मेरा काफी अच्छा हुआ था। मेरा दिल आज ये था कि मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं तैयारी नहीं कर सका था, तो मैंने इन लोगों को कह दिया था कि प्रिपेयर कर लो, मैं करेक्ट करवा दूंगा। बट आई स्टिल बिलीव कि दिस वाज नॉट अ बैड सेशन, एटलीस्ट लोगों को थोड़ी सी फीलिंग आ। मैं के लिए कह रही हूं कि वो भी सर प्लीज माइंड में, वो भी करा देंगे, दोबारा करा देंगे, नो वरीज। ठीक है सर, अच्छा सेशन था, नास्त्रा जैसे पेशेंट्स को डील करने का हमें तरीका थोड़ा बहुत। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी, दोबारा से अरेंज करते हैं और फिर एक आध दिन में जैसी डेट कंफर्म हो मुझे जरूर बता देना, ताकि मुझे पता हो कि कितने दिन है, उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। ठीक है, सी यू टुमारो ऑन हैप्पी सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड वर्कशॉप, जो लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।